हाय गाइस, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नेफ्रॉन और किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने शुरू किया था किडनी और किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी जो होता है उसके चारों तरफ कवरिंग होता है जो कि टिश्यू का कवरिंग होता है जो कि शॉक को अब्सॉर्ब करता है। और साथ में देखा था कि जो किडनी होती है उसके दो पार्ट, एक आउटर पार्ट होता है एक इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है उसको हमने बोला था कॉर्टेक्स और जो इनर पार्ट है उसको हमने बोला था मेडुला। और मेडुला के अंदर हमने क्या बनाए थे, पिरामिड बनाए थे जिनको हमने बोला था मेडुलरी पिरामिड। उन सब मेडुलरी पिरामिड से एक एक डक्ट निकलती है जिसको हमने बोला था माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स कंबाइन होकर बना रही थी मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स जो रही थी वो कंबाइन होकर क्या बना रही थी, रीनल पैल्विस। और रीनल पैल्विस हाइलम से बाहर निकल रही थी और क्या बना रही थी, यूरेटर बना रही थी। और यूरेटर फिर किस में ऑपर होता है, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिक था, ये हमने पढ़ा था। फिर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पड़ी थी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में उसके पार्ट पड़े थे। नेफ्रॉन के पार्ट कौन कौन से होते, एक तो बावन कैप्सूल, उसके अंदर ग्लोमेरुलस है और बावन कैप्सूल, उन दोनों को मिलाकर रीनल कार्पसल, फिर पीसीटी आता है, फिर लुपोफंडे और फिर डीसीटी। और कलेक्टिंग डक्ट वो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है, कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है। और नेफ्रॉन की बात करें, हमारी किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। साथ में पढ़ा था कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो टू टाइप के थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है उसमें देखा किस प्रकार से बासा रक्टा का फॉर्मेशन होता है। बासा रक्टा क्या होता है समझ रहे हो, जो लुपोफंडे होता है उसके चारों ओर जो पेरी फिब्रिलर नेटवर्क होता है कैपिलरी का, उसको हम बोलते हैं बासा रक्टा, ठीक है, जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में डेवलप होते हैं। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले नेफ्रॉन के बारे में, और साथ में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बाद यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसा होता है वो, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नेफ्रॉन जहाँ से पहले पढ़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। नेफ्रॉन तो नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के कुछ पॉइंट लिख देते हैं, नेफ्रॉन से रिलेटेड सामान्य बातें। पहला तो ये कि किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, सिंपल फॉर्म स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी वो कौन सी होती है, नेफ्रॉन पहला पॉइंट हो गया। दूसरे इनके नंबर की बात करें तो इनके नंबर कितने होते हैं, 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख पर किडनी, एक किडनी में 10 लाख होते हैं, 10 लाख पर किडनी का नंबर कितना होता है, 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख, 10 लाख होते हैं एक किडनी। दूसरे में बात करें इनकी लेंथ की बात करें तो 45 mm होती है लेंथ की। अगर इसके लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वो अप्रॉक्सिमेट होती है 45 to 65 mm, 45 to 65 mm होती है इसकी लंबाई। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट की इसकी जो नंबर होते हैं वो जन्म के बाद कभी मतलब घटते नहीं है या बढ़ते नहीं, सॉरी जन्म के बाद कभी इनके नंबर जो होते हैं इंक्रीज नहीं होते, आफ्टर बर्थ इनके जो नंबर है नेफ्रॉन के नंबर जो कि 1 मिलियन है वो क्या होते हैं, जन्म के बाद इनके जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं, साइज इंक्रीज हो सकती है, नेफ्रॉन की साइज जन्म के बाद बढ़ती है लेकिन इनके नंबर जन्म के बाद बढ़ते नहीं है। ये 1 मिलियन 10 लाख है तो 10 लाख ही रहते हैं, उनके नंबर बढ़ते नहीं हैं। अगर कोई डिजीज है तो उनके नंबर कम हो सकते हैं और साथ में उनका साइज बढ़ सकता है लेकिन उनके नंबर जो होते हैं वो बढ़ते नहीं है जन्म के बाद, क्लियर। यहाँ पर अब बात करते हैं अपन नेफ्रॉन की प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने से, यहाँ पर चलिए यहाँ पर आने से तो नेफ्रॉन के भागों का जिक्र करें अपन। तो नेफ्रॉन को यहाँ पर नेफ्रॉन जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन, नेफ्रॉन जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो रीनल कार्पसल्स होते हैं और दूसरे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, पहला कौन सा है, रीनल कार्पसल्स, पहला है रीनल कार्पसल्स, रीनल कार्पसल्स, और दूसरा जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल्स, दूसरा जो है वो कौन सा है, रीनल ट्यूब्यूल्स।
रीनल कार्पसस एंड रीनल टिश्यूज होते हैं। अब रीनल कार्पसस जो होता है उसकी दो चीजें आती है, इसके अंतर्गत हम बात करें तो रीनल कार्पसस के दो हिस्से कर सकते हैं अपन, एक तो बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल एक तो कौन सा है बोमन कैप्सूल है, और दूसरा होता है वो होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल है ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसकी जो हिस्से है उसमें आता है एक तो पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा जो आता है वो होता है लूप ऑफ हैंडलिंग, दूसरा कौन सा है लूप ऑफ हैंडलिंग, और तीसरा जो है वो होता है डी सी टी यानी कि डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडलित नलिका। लूप ऑफ हैंडलिंग की दो आर्क होती है, एक असेंडिंग और दूसरी डिसेंडिंग, ठीक है। एक और चीज आती है कलेक्टिंग डक्ट, इसके बाद क्योंकि नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है कलेक्टिंग डक्ट। अब अपन डायग्राम देख लेते हैं और अच्छा समझ पाएंगे। अगर हम बात करें डायग्राम की तो ये हम बना रहे हैं आप बहुत क्या प्रोजेक्टर बनाते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बॉमन कैप्सूल हो गया, ये बॉमन कैप्सूल होता है, ये बॉमन कैप्सूल है। अरे बॉमन कैप्सूल में क्या होता है, कैपिलरी का गुच्छा होता है, यहाँ पर कौन सी ऐसी है एफरेंट आर्टरी आती है, ये सारी चीजें हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये चीज कहाँ पर होती है किडनी में होती है, मेडुला पार्टन होती है, एक्चुअली में देखा जाए जी तो कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है। मेडुला में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है लूप ऑफ हैंडलर होता है, पर है क्या ये मेडुलरी पिरामिड में होती है, समझे। मेडुलरी पिरामिड जो बनाए हमने उस मेडुलरी पिरामिड के कॉर्टेक्स भाग में तो कौन सा होगा बोमन कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी, और उस मेडुलरी पिरामिड के जो मेडुला पार्ट है उसमें होगा लूप ऑफ हैंडलर होगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा पीसीटी आएगा, चलिए ये पीसीटी बनाया हमने प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है डीसीटी, ये डीसीटी बनाया है, ये पीसीटी बनाया लूप ऑफ हैंडलर बनाया है, फिर डीसीटी बनाई आप, ये हमने बना दिया डीसीटी, ये डीसीटी हो गया। तो यहाँ पर आप देखो ये जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, ये कौन सा हिस्सा है बॉमन कैप्सूल, ये बॉमन कैप्सूल हो गया, बॉमन कैप्सूल, ये बॉमन कैप्सूल है, ये जो है ये जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पीसीटी, पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी हो गया। ये जो पूरा हिस्सा है वो है लूप ऑफ हैंडलिंग, लूप ऑफ हैंडलिंग ये कौन सी है डिसेंडिंग आर्म है, नीचे जा रही है ना, ये डिसेंडिंग आर्म है, ये कौन सी है उसकी डिसेंडिंग आर्म होगी जो नीचे की तरफ जा रही है डिसेंडिंग आर्म, और ये कौन सी ऊपर की ओर जा रही है ये असेंडिंग आर्म होगी, असेंडिंग आर्म। और इस पूरे रूम में क्या बोला था लूप ऑफ हैंडलिंग, एल ओ एच का मतलब क्या है लूप ऑफ हैंडलिंग, लूप ऑफ हैंडलिंग इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैंडलिंग। अब ये जो भाग है दूसरी जो नदी का होती है ये भी कुंडली होती है, इसको हम बोलते हैं डीसीटी, ये क्या है डीसीटी, और तो उनकी बात करें तो डिस्टल कॉन्जुगेटेड, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, ये हो गया अपना डीसीटी हो गया, ठीक है। डीसीटी के बाद यहाँ पर क्या होता है डीसीटी के बाद यहाँ पर होता है कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी बनाने के बाद अगर बनाया अपना यहाँ पर आगे तक क्या होगा कलेक्टिंग डक्ट लगा होगा हर एक नेफ्रॉन के लिए होगा, जो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये तो कलेक्टिंग डक्ट है,
वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होते, सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में आकर मिलते हैं। अब यूरिन जो होता है, यूरिन यूरिया वो छन कर यहाँ से होता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ से होता है, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में, ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट का ये जो 6-10 को रीजन पहला बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर पूछता है, कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर कहाँ पर माइनर कैरेक्टर में, फिर मेजर कैरेक्टर में एंड रीनल पैलेस में, और फिर यूरेटर में, और फिर यूरिथ्रा में ब्लैडर, और फिर सॉरी एंड देन यूरेटर यूरिथ्रा सॉरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा एंड देन बॉडी से बाहर, इस प्रकार से ये फिर नेफ्रॉन की एक संरचना है। तो देखिए नेफ्रॉन की संरचना में ये तो हो गया अपना बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल ये है, ठीक है, ग्लोमेरुलस आना बाकी जिसके अंदर आता है, ये हो गया पीसीटी अपना प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, ये लुकोफेंटे उसके दो आर्म असेंडिंग आर्म और डिसेंडिंग आर्म, ये हो गया डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, ये डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ तक का भाग है वो नेफ्रॉन का भाग है, ये कलेक्टिव डक्ट होती है, संग्राहक नलिका वो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होती है। अगर हम संग्राहक नलिका की बात करें तो वो नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, ये संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होती है। अब आगे देखिए, अब हम जिक्र कर लेते हैं ग्लोमेरुलस का, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पर कौन सी आर्टरी आती है, इसका हमने जिक्र किया था प्रीवियस लेक्चर में, कौन सी आर्टरी होती है, यहाँ पर जो होती है वो एफरेंट आर्टरी, वो यहाँ पर क्या बनाती है कैपिलरी बनाती है, फिर यहाँ पर अगेन क्या बनेगा डिफरेंट आर्टरी सॉरी एफरेंट आर्टरी, फिर वो फिर कैपिलरी का गुच्छा बनाएगी जो कि इस लुपोफेंडे के चारों ओर होगी, समझ रहे बात को मेरी, इस डीसीपी की और डीसीपी की और लुपोफेंडे की चारों तरफ होगी, फिर यहाँ पर बना देते हैं एफरेंट आर्टरी, चलिए ये हमने बनाया एफरेंट आर्टरी, ये एफरेंट आर्टरी, फिर यहाँ जाकर कैपिलरी में डिवाइड होगी और यहाँ पर जाकर क्या बनाएंगे एफरेंट आर्टरी बना दिए, ये कैपिलरी में डिवाइड होगी यहाँ पर, और ये कैपिलरी का जो गुच्छा है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये गुच्छा यहाँ पर बनाएगा, ये जो कैपिलरी का गुच्छा है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्लियर। अब ये जो है इसको हमने क्या बोला एफरेंट आर्टरी, ये क्या है एफरेंट आर्टरी, ये अपना एफरेंट आर्टरी हो गया, एफरेंट आर्टरी देख लो उसका डायमीटर ज्यादा है मोटी होती है, ये कौन सी एफरेंट आर्टरी उसका डायमीटर छोटा है मतलब ये पतली होती है, अब ये जो स्ट्रक्चर वाली कौन सी एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी एफरेंट आर्टरी, अब ये एफरेंट आर्टरी जो होती है तो अब आपको नेफ्रॉन को समझ लो, पहले तो नेफ्रॉन के हिस्से समझ में आ गया, नेफ्रॉन के रीनल कॉर्पसस कौन सा भाग है, ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला रीनल कॉर्पसस बोला, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या होती है कैपिलरी का केशिकाओं का गुच्छा होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल उन दोनों को अपन क्या बोलते हैं रीनल कॉर्पसस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से आते हैं टीसीपी लुपोफेंडे और डीसीपी, ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, समझ आ रही है एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब ये नेफ्रॉन जो होते हैं ये नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन टू टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, तो नेफ्रॉन के हम टू टाइप पढ़ते थे यहाँ पर, देखिए नेफ्रॉन तो इसके टू टाइप हो गए, एक तो कौन सा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा कौन सा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, देखो दोनों नेफ्रॉन में फर्क क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर बनाया बड़ी साइज में कि हम किडनी बना देते हैं, ये हमने सिंगल किडनी बनाई, अब उस किडनी में चारों तरफ जो
टिश्यू पाए जाते हैं जो उसको क्या कहते हैं जो एक्सटर्नल अटैक होता है उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं ताकि किडनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अब इसके बाहरी भाग होता है वो अटैक होता है, आंतरिक भाग मैग्नोला होता है उसकी भी जो पिरामिड होते हैं जिनको हमने क्या बोला था मैग्नोला पिरामिड, उन पिरामिड को हमने क्या बोला था मैग्नोला पिरामिड। तीन ही बनाते हैं अपने यहाँ पर जो कितने होते हैं अप्रोक्सीमेट 10 से 15 तक होते हैं, 8 से 12 मैग्नोला पिरामिड होते हैं। अब उनके नीचे यहाँ पर क्या होते हैं माइनर कैरियर्स होते हैं, ये माइनर कैरियर्स कंबाइन होकर क्या बना है मैजर कैरियर्स, और मैजर कैरियर्स कंबाइन होकर क्या बना रहा है रेनल पैचेस, और रेनल पैचेस बाहर की रूप में निकल रहा है यूरेटर की फॉर्म में निकल रहा है। ये माइनर कैरियर्स है, ये दोनों मिलकर मैजर कैरियर्स, फिर रेनल पैचेस और यूरेटर। ये प्रीवियस लेक्चर में और अच्छे से समझा था, अगर इसको और अच्छा डायग्राम बनाए तो ये तो अपना हो गया यूरेटर हो जाएगा यूरेटर। अब यूरेटर अंदर जाकर किसमें कन्वर्ट हो रहा है देखिए शायद यहाँ पर और क्लियर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स है, और ये रिनल कैलिक्स है, और यहाँ पर किडनी ये उसका अपने हो गया ये। अब ये यूरेटर का हिस्सा हो गया, ये यूरेटर ये अंदर जो गया ये रिनल कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स और ये माइनर कैलिक्स, ये वाला माइनर कैलिक्स हो गए, ये दोनों कंबाइन होकर मेजर कैलिक्स बनाएंगे, फिर वो रिनल कैलिक्स और बाहर निकल रहा वो यूरेटर हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ये तो यूरेटर है, वो यूरेटर जब इसके अंदर जा रही है किडनी के अंदर तो वो किस में बदल रही है रेनल पैल्विस में, और रेनल पैल्विस फिर किस में ब्रांचेस बना रही है रेनल पैल्विस से वो क्या बना रही है मेजर कैलिक्स, फिर वो माइनर कैलिक्स, और माइनर कैलिक्स कहाँ खोल रहे हैं मेडुलरी पिरामिड, समझ पा रहे हो ये मेडुलरी पिरामिड। तब दो टाइप के यहाँ पर नेफ्रॉन है, पहले टाइप के नेफ्रॉन कौन से होते हैं ध्यान दो यहाँ बना रहा हूँ, जिसमें क्या होता है यहाँ पर ये बना दिया कॉमन गैप टू, अब ये पी सी टी और ये लूपो फैमिली और ये पी सी टी, ये पहले टाइप का हो गया। अब दूसरे टाइप का जो होता है वो देखिए ये बॉबन कैप टू, ये मैंने बनाया पी सी टी और ये बनाया लूपो फैमिली, और यहाँ पर अगेन पी सी टी। आप देखो देखो दोनों में डिफरेंट है, इसमें आप देख रहे हो कि ये जो इस दोनों में कॉमन चीज बता दूँ मैं, दोनों में बॉबन कैप टू PCT और DCT, बाउन कैप्सूल PCT और DCT, दोनों में बाउन कैप्सूल PCT और DCT, बाउन कैप्सूल PCT और DCT, दोनों में कौन से भाग में वो कॉर्टेक्स भाग में, क्योंकि ये बाहरी भाग कौन सा है ये भाग कौन सा है ये कॉर्टेक्स है, ये भाग कॉर्टेक्स है, और ये भाग कौन सा है मेडुला, अंदर वाला भाग मेडुला, ठीक है। अरे भाग मेडुला के अंदर जो कॉर्टेक्स जो धसा हुआ उसको हमने क्या बोला था कॉलम ऑफ बर्टिन, कॉलम ऑफ बर्टिन, जैसे रिनल कॉलम बोला था हमने उसको। तो ये जो नेफ्रॉन है जिसमें लूप ऑफ हैंडल छोटा दिख रहा है आपको, इसका लूप ऑफ हैंडल बड़ा है और कहाँ पर है मेडुला के अंदर तक है, इसीलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दो टाइप के नेफ्रॉन होगी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, समझ पा रहे हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब चलिए बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें ठीक है, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो उपस्थित कहाँ पर होता है इसकी बात करें, मैक्सिमम कहाँ पर होता है कॉर्टेक्स रीजन में होता है, मैक्सिमम कॉर्टेक्स रीजन में होता है, और ये कहाँ पर है जंक्शन पर, कॉर्टेक्स और मेडुला उसके जंक्शन पर होता है ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कौन कौन से हिस्से, दोनों में ध्यान देना दोनों में बॉमन कैप्सूल पी सी टी और डी सी टी, ये बॉमन कैप्सूल समझ रहे हो ना, यही नेफ्रॉन बनाया ऐसे करके, तो ये बॉमन कैप्सूल ये पी सी टी और ये डी सी टी, बॉमन कैप्सूल पी सी टी और डी सी टी, और ये लूप ऑफ हैंडलिंग, समझ रहे हो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो होता है वो जैसा होता है शॉर्टर लूप ऑफ हैंडलिंग होता है, शॉर्टर लूप ऑफ हैंडलिंग, कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखिए लूप ऑफ हैंडलिंग बहुत छोटा है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या लिख सकता हूँ मैं लॉन्गर लूप ऑफ हैंडलिंग, लॉन्गर लूप ऑफ हैंडलिंग होता है ठीक है। और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की हम बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होता है वो 80% होता है, 80% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, और बचा कितना 85% 80 से 85% होता है, 80 से 85% हो गया,
तो ये कितना हो गया 15 से 20 प्रतिशत, तो 15-20% जट्टा वाले नेफ्रॉन होते हैं और पार्टिकल नेफ्रॉन कितने होते हैं 80-85% होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें काम की, तो जट्टा वाले नेफ्रॉन जो होता है वो क्या होता है, जब बॉडी में बहुत कम मात्रा में जल होता है तब जट्टा वाले नेफ्रॉन काम करता है, और जब बॉडी में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है तब कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी कि दो सिचुएशन पर काम करते हैं, समझ लो, जट्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब बात करते हैं जट्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो यहाँ पे क्या होता है, वासा रेक्टा क्या होता है, उसको कल क्लास में डिस्कस किया था हमने, वासा रेक्टा जो होती है वेल डेवलप होते, ठीक। यहाँ पर हम बात करें कॉर्टिकल में, तो वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होंगी, या फिर लेस डेवलप होंगे, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, लेस डेवलप होंगे किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। अब वासा रेक्टा क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा, यहाँ पर वासा रेक्टा क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखो कल की क्लास में डिस्कस किया था हमने, ये एफरेंट आर्टेरियल है, ये ग्लोबेरुलर है, और अगेन क्या बना, एफरेंट आर्टेरियल बनी, जबकि जनरली क्या होता है, आर्टेरी आती है कैपिलरी में डिवाइड होती है और क्या बनाती है, वेन बनाती है, आर्टेरी आती है कैपिलरी में डिवाइड होती है और वेन बनाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए आर्टेरी आई कैपिलरी में डिवाइड हुई और अगेन आर्टेरी बनाई, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्टेरी आ रही है उस आर्टेरी में क्या है, ऑक्सीजन है और यूरिया है, तो यहाँ पर यूरिया का फिल्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इस पवन कैप्सूल पीसी की और लोकोमोटिव को ऑक्सीजन देना चाहिए ना, वो ऑक्सीजन से दिया नहीं, इसलिए फिर आगे जाकर अगेन ये क्या करती है, कैपिलरी में डिवाइड होती है। अब फिर ये बना के आगे बैठे हो रहे हैं, ठीक है, मैं यहीं पर बना रहा हूँ डायग्राम को व्यवस्थित तरीके से बनाने की, बाकी नेटवर्क इसके ऊपर होता है, ये नेटवर्क पूरा इसके ऊपर होता है यहाँ पर, तो ये कैपिलरी का दूसरा नेटवर्क बना रहा है यहाँ पर, ये कैपिलरी का दूसरा नेटवर्क, और यहाँ पर ये जो बन रही है वो वैल्यू होती है, फिर ये वैल्यू रीनल वेन में जाकर खुलती है, ये वैल्यू कहाँ पर, रीनल वेन में खुलेगी, तो यहाँ पर तो यूरिया का फिल्ट्रेशन हुआ, फिर यहाँ पर ये जो कैपिलरी बनी है अगेन, ये कैपिलरी कहाँ पर होती है पता है, इन चारों तरफ होती है, ये पीसीजी है, लूप ऑफ मेंडेले है, ये पीसीजी है, उनको क्या करती है, वो उनको लपेटती है, उनके चारों तरफ एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, समझ पा रहे हो, ये कैपिलरी का नेटवर्क इसके चारों ओर लपेटा हुआ है। अब उसमें से वो डक्ट है, वो कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले को कवर करती है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा, समझ पाई बात, ये वासा रेक्टा जो होते हैं वो देखिए आप, अब यहाँ पर जो नेटवर्क होगा, तो यहाँ पर जो वासा रेक्टा एक एक्स्ट्रा कैपिलरी को यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, इस पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर करने के लिए, और वासा रेक्टा क्या है, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क जो लूप ऑफ हेनले पर है, तो यहाँ पर तो क्या होगा, एक्स्ट्रा कोई ट्यूब्स नहीं आएगी, कैपिलरी नहीं होगी जिसको कवर करने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा है इसलिए एक्स्ट्रा कैपिलरी आएगी, कल की लेक्चर में बनाई थी हमने एक्स्ट्रा कैपिलरी नीचे तक, ठीक है, मैं डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, अगर इसको ये जो कैपिलरी का नेटवर्क है वो इसके ऊपर होता है, और वो जो कैपिलरी जो लूपो फैलने पर गुजरती है उसको कहते हैं वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा किसमें, जट्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उसको वेल डेवलप होता है जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में इतना डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ये जो कहाँ सारी एक्चुअल देखा जाए तो ये क्या है, रीनल आर्टरी है, इसमें क्या है, रीनल आर्टरी है, यह रीनल आर्टरी से आ रही है, और रीनल आर्टरी कहाँ से आती है, रीनल आर्टरी की बात करें तो कल की क्लास में हमने रिवाइज किया था, जो लीवर होता है, लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो हेपेटिक वेन से होता हुआ कहाँ पर जाएगा, वेना कैवा से फिर राइट ओरिकल में, फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स में प्योरिफिकेशन हुआ, फिर लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से प्योरिफिकेशन हो गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से डॉर्सल एओर्टा से होती हुई, फिर तो डॉर्सल एओर्टा आएगी, और डॉर्सल एओर्टा से होते हुए कहाँ पर आएगी, वो किडनी में आएगी, रीनल आर्टरी से, ये रीनल आर्टरी, फिर रीनल आर्टरी में क्या है, इस रीनल आर्टरी की बात करें तो इसके अंदर क्या है, एक तो ओ टू है प्लस यूरिया है इसके अंदर, ओ टू प्लस यूरिया दोनों है इसके अंदर, समझ लो ओ टू और यूरिया उसके अंदर दोनों है, और यहाँ पर जो ये जो गुजर रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओ टू है, फिर ये ओ टू अगेन इसको यहाँ पर दिया जाएगा, क्लियर हुआ, तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर, इतना यहाँ पर
ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर यूरिन फॉर्मेशन, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो हिस्से हैं, रेनल कार्पस और रेनल ट्यूब्यूल। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो नेटवर्क है वो इसके चारों तरफ होता है और वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करता है, जो कि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वेल डेवलप होता है इसके कंपैरिजन में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसको ज़रा देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है मूत्र निर्माण की क्रिया जिसको बोलते हैं वो तीन चरणों में पूरी होती है। पहला जो होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि ग्लो मेल से होता है। दूसरा जो इसका स्टेप होता है, दूसरे स्टेप की बात करें, दूसरा स्टेप जो होता है वो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होता है। और तीसरा जो इसका स्टेप है वो होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तीन स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन। इसी में हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तीन स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन। पहले स्टेप समझ लेते हैं, फिर इसके बाद यूरिन फॉर्मेशन पूरा पढ़ेंगे। यूरिन फॉर्मेशन यूरिन फॉर्मेशन ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड आया है एफरेंट आर्टेरियल के जरिए, ये एफरेंट आर्टेरियल अगर मैं यहाँ पर किडनी बना दूँ ठीक है, तो ये किडनी से ये जो एफरेंट आर्टेरियल आई है समझ पा रहे हो। तो अगर इसका एक स्ट्रक्चर बनाए अपन यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ध्यान देना समझ नहीं पड़ती थी। यहाँ पर यह हमने लीवर बना दिया ठीक, ये लीवर बनाया। लीवर में किसका फॉर्मेशन हुआ, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अब ये यूरिया हेपेटिक वेन से जरिए कहाँ पर आएगा, वेना केवा का है, वेना केवा। फिर वेना केवा से वो कहाँ पर जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। ये विधि हार्ट के अंदर चार भाग कर दिए, इसका पूरा अच्छे से सर्किट समझ लेते ताकि क्लियर हो जाएगा ठीक है। ये हार्ट के अंदर चार भाग बना दिए, ये अपना हो गया राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये आ गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। वहाँ से फिर फ्लो होने के लिए वो कहाँ पर जाता है, लंग्स में। तो ये चला गया लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में ठीक है। एरो का साइन कर देते हैं अपने, यहाँ पर लंग्स में आ गया। अब लंग्स में फ्लो होकर वो कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में, वो सारा ब्लड। अब ये जो ब्लड आया था उस ब्लड में, इस ब्लड में क्या था, यूरिया था। इस ब्लड में यूरिया प्लस क्या थी, CO2 थी। इस ब्लड में भी यूरिया प्लस CO2 है, इस ब्लड में भी यूरिया प्लस CO2। अब ये ब्लड लंग्स में आया, लंग्स में भी क्या था उसके अंदर, यूरिया प्लस CO2। तो अब यहाँ पर गैसेस का एक्शन हो गया। तो अब इस ब्लड में क्या होगा, इस ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, O2 प्लस यूरिया है, O2 और यूरिया दोनों है इस ब्लड में, ऑक्सीजन है उसके साथ क्या है, यूरिया है, ऑक्सीजन और यूरिया दोनों है इस ब्लड में। अब ये ब्लड कहाँ पर आया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ पर जा रहा है, वो बॉडी में जाता है डॉर्सल एओर्टा से। चलिए अभी डॉर्सल एओर्टा कहाँ खुल रहा है, ये डॉर्सल एओर्टा किडनी में आया है डॉर्सल एओर्टा। और यहाँ पर जाकर इसने क्या बनाया, रिंगर आर्टरी। दो किडनी है ना, तो दोनों किडनी में जाएगी रिंगर आर्टरी, ये दोनों किडनी में रिंगर आर्टरी गई। इधर पहली किडनी में आ जाता हूँ, ये पहली किडनी और ये अपने बन गई सेकंड किडनी, दोनों किडनी है। ये जो इंटर कर रही है, ये एक्चुअल में इंटर कर रही है कौन सी, रिनल आर्टरी, रिनल आर्टरी, ये रिनल आर्टरी अंदर इंटर हुई। अभी रिनल आर्टरी मैं यहाँ पर एक ही पिरामिड बना रहा हूँ, बहुत सारे पिरामिड बना हूँ, कंफ्यूज हो गया। मैंने एक पिरामिड बना दिया ये ठीक है, ये एक पिरामिड बनाया मैंने। अब ये रिनल आर्टरी जो होती है ना, यहाँ पर जाकर ये डिवाइड होगी, आर्टरी और किस में डिवाइड होगी, आर्टरी होगी। पर यहाँ पर जाकर उसने क्या बनाया, यहाँ पर बना रखता हूँ ये मेरे बबल कैप्सूल बनाया ठीक है, समझना ध्यान से। इस तरफ अगर इस तरफ बना देते हैं और एक जगह ये पिरामिड बना दिया, इस तरफ ये पिरामिड बनाया मैंने। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एफरेंट आर्टरी बनाई है, ये एफरेंट आर्टरी, यहाँ पर बना देता हूँ पीसीटी,
ये लूपो पे ये क्या बोलते हैं वॉलम कैप्सूल बना है, फिर ये पी सी टी बना है, और ये लूपो घेंटे बना, और फिर ये डी सी टी बना, डी सी टी बना। तो अब ये जो एफरेंट आर्टरी है उसने क्या बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया, और ये एफरेंट आर्टरी है, ये कौन सी एफरेंट और ये एफरेंट आर्टरी है। अब ये एफरेंट आर्टरी जो सारी ये जो यूरिन है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, वो इस प्रकार से मेडुला में है। अब यहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कौन सी आई, रीनल वेन आई अभी, और रीनल वेन कहाँ से जुड़ेगी, डॉर्सल एओर्टा से। ये रीनल वेन किससे जुड़ी है, डॉर्सल एओर्टा से, वेना केवा से जुड़ेगी, ये वेना केवा है, ये वेना केवा, वेना केवा। तो इस वेना केवा में CO2 है प्लस ये रीनल वेन है। अब ये जो थी वो कौन सी है, ये रीनल वेन है, रीनल वेन। तो अब इसे रीनल वेन में यूरिया का फिल्ट्रेशन यहाँ पर हो गया था, यूरिया कहाँ पर आ गया, मेडुलरी पिरामिड में, मेडुलरी पिरामिड में यूरिया आ गया, समझ लो। सॉरी ये यूरिन का होगा, ये यूरेटर का होगा, सॉरी स्ट्रक्चर गलत बन गया। ये वाला जो रीनल वेन आई है वो यहाँ से जुड़ी, ये कैपिलरी का नेटवर्क बना था, समझ लो। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था रीनल वेन का था, अभी रीनल वेन किसके साथ जुड़ रही है, वेना केवा, और वेना केवा कहाँ आ रही है, हार्ट में आ रही है। तो इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा में भी क्या है, CO2 है, परंतु CO2 प्लस यूरिया नहीं है इसमें, इसमें यूरिया नहीं है, क्योंकि यूरिया तो कहाँ पर, यहाँ फिल्टर हो गया किडनी में, अब यूरिया नहीं है, लेकिन इसमें यूरिया है, हेपेटिक वेन में, ये हेपेटिक वेन है, उसमें यूरिया है जो लीवर से फॉर्मेट हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन यहाँ पर होगा, समझ पा रहे हो। इसको और अच्छे से यहाँ पर एक डायग्राम देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये एक पिरामिड बनाया मैंने, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या बनाया मैंने, ये पी सी टी बनाया मैंने, ये बवन कैप्सूल बन गया, ये पी सी टी, ये लूपो फैमिली, और ये डी सी टी बन गया, समझ पा रहे हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आर्टरी आ रही है ये वाली, वो आगे जाकर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, यहाँ पर अंदर गई है, यहाँ पर भी जाकर वो डिवाइड हो रही है, ये हर एक नेफ्रॉन पे जा रही है, 10 लाख नेफ्रॉन है, सॉरी 1 मिलियन, तो 10 लाख नेफ्रॉन है, तो हर एक नेफ्रॉन के पास जा रही है, तो इस नेफ्रॉन के पास जाकर भी डिवाइड हो रही है, और यहाँ पर क्या बता रही है, ग्लोमेरुलस, फिर अगेन आ रही है। इस तरह सारी कमाई वगैरह यहाँ पर किस फॉर्म में बाहर निकल रही है, रीनल वेन की फॉर्म में निकल रही है, समझ लो। यहाँ पर रीनल वेन की फॉर्म में, और ये यहाँ से क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है, जिससे मूत्र निकल रहा है। तो ये बवन कैप्सूल का इनलार्ज स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे, ये सारी स्ट्रक्चर समझ में आई किस प्रकार से रेगुलेशन होता होगा। अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन कैसे होता होगा। तो ये जो एफरेंट आर्टरी है वो कौन सी है, ये वाली, ये जो आ रही है ना, वो एफरेंट आर्टरी जो जा रही है वो एफरेंट है, ये एफरेंट आर्टरी जो आ रही है उसमें O2 प्लस यूरिया है, इसमें O2 प्लस यूरिया है, ये जो आर्टरी आ रही थी ये वाली आर्टरी रीनल आर्टरी, उससे रीनल आर्टरी में आगे जाकर वो रीनल आर्टरी वही आगे जाकर क्या हो जाती है, शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और क्या बनाती है, रीनल आर्टरी बनाती है। उस रीनल आर्टरी में क्या है, मतलब इस रीनल आर्टरी के अंदर भी क्या है, इस रीनल आर्टरी की बात करें तो इसके अंदर O2 है, इसके अंदर क्या है, O2 प्लस यूरिया है, और रीनल आर्टरी आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो रही है और रीनल आर्टरी बनाती है। तो इस रीनल आर्टरी में क्या है, O2 प्लस यूरिया है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा कि जो पदार्थ होते हैं जो ब्लड में, वो छनकर आ जाते हैं बॉमन कैप्सूल की कैविटी में। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, एक तो यूरिया आ जाता है, ठीक है, और साथ में आ जाता है वाटर आ जाता है, प्लस कुछ आयन्स आते हैं, और साथ में आ जाता है ग्लूकोज, कुछ अमाउंट ग्लूकोज का भी आ जाता है। इतनी इतनी छनकर ग्लोमेरुलस पे ये चीज़ें छनकर कहाँ पर आ गई, बॉमन क्या, समझ लो। तो उसको हम यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप क्या हो गया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन फास्ट स्टेप क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप देख लो, यूरिया तो बेस्ट प्रोडक्ट था, उसको तो बॉडी से निकाल रहा था, तो उसका फिल्ट्रेशन हो गया और वो फाइनली कलेक्टिंग डक्ट और यूरेटर जो था बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आप देख लो यहाँ पर वाटर भी आ गया है, कुछ आयन्स भी आ गए, ग्लूकोज भी आ गया, और वाटर आयन ग्लूकोज ये सब कैसे प्रोडक्ट है, यूजफुल प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन सब चीज़ों का अगेन फिर क्या होगा, यहाँ पर जो कैपिलरी का नेटवर्क बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेल्स होती है कुछ,
तो अब ये जो आयरन और यूरिया जो है उनका क्या किया जाएगा, ये कहाँ पर आ गए, ये वेस्ट प्रोडक्ट की, इसको एक्चुअली में बॉमन कैप्सूल में छन कर आ गए, लेकिन वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो उनको बॉडी से बाहर निकलना नहीं है, तो उनको क्या करना है, खींचना है वापस। तो फिर यहाँ पर H2O आयरन और ग्लूकोज, H2O आयरन और ग्लूकोज, ये तीनों, तो इन तीनों का क्या करती है, जो कैपिलरी होती है वो उन तीनों का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। यानी कि अब यहाँ पर जो ये H2O आयरन और ग्लूकोज थे जो कि यूजफुल थे, उनका भी फिल्ट्रेशन हो चुका था। तो ये जो कैपिलरी का जो नेटवर्क है वो इसके चारों तरफ होता है ना, तो वो इसके अंदर से क्या करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, तो उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुल्स कर रही है इस काम पर, ट्यूबुल्स द्वारा पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, लुपोफेनले में होता है, इन ट्यूबुल्स में होता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोला, क्योंकि जो चीज उसी की है और उसी ने वापस ली है। एक्चुअली H2O आयरन ग्लूकोज किसके थे, ब्लड के थे, और ब्लड ने ही वापस लिया खींच कर, इसलिए उसको क्या बोला, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसका सेकंड स्टेप कौन सा है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये उसका दूसरा स्टेप हो गया। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन समझ लो, यानी कि ये जो ट्यूबुल्स है, PCT, लुपोफेनले, DCT, उसमें जो आवश्यक पदार्थ भी छन कर आ गए हैं उनको वापस अवशोषित किया जाएगा, किसके द्वारा, कैपिलरी के द्वारा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रिएक्टर, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप समझते हैं, अब यहाँ पर जो ब्लड आया था उस ब्लड में कुछ मात्रा में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी था, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी उसमें था, तो वो क्या करता है, मतलब वो अपने साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी ले आया था, मतलब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर छन नहीं पाया और वो आगे चला गया, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ना वो वापिस इसको दिया जाता है, किसको, इस PCT को, और उसको वापिस दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। सिक्रेशन क्यों बोला, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहे, बाहर से अंदर आ रहे, इसलिए उसको ये एरो का साइन दिख रहा, तो इन सेल से होकर वो अंदर आते हैं, इन सेल से होकर वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। वो किस ट्यूबुल्स में हो रहा है ये सिक्रेशन, क्योंकि वो स्राव कहाँ पर हो रहा है, ट्यूबुल में हो रहा है, इसलिए ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन नली के स्त्रवण, और वो नली का सेव हो रहा था, इसीलिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, समझ लो, नली की अवशोषण इन नलिकाओं से, इन ट्यूब्यूल से अवशोषित हो रहा था, इसलिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और इन ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा है, इन ट्यूब्यूल्स में स्त्राव हो रहा है, इसीलिए ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो थर्ड स्टेप कौन सा है इसका, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन तीन स्टेप होंगे, तीनों स्टेप समझ में आया। तो यहाँ पर जो आयरन आई है, जो ब्लड यहाँ पर आया है, उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है और यूरिया है। अब यूरिया, वाटर, आयरन वो सब यहाँ पर फिल्ट्रेट मेंब्रेन ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो गया, फिल्टर होकर कुछ आवश्यक पदार्थ भी आ गए थे, उन आवश्यक पदार्थों को वापस क्या किया, अवशोषित किया रक्त ने कैपिलरी की सहायता, उसको हमने बोला ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पर देखा कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट था जो कि छना नहीं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट था यहाँ पर फिल्टर नहीं हुआ, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट वापस क्या जाए, वापस कहाँ पर डाला जा रहा है, इस PCT, लुपोफेनले और DCT में डाला जा रहा है, ताकि वो यूरिन बनाकर बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो वो जो उसको हमने क्या बोला, ट्यूबुलर सिक्रेशन। पहला स्टेप कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट था वेस्ट उसका फिल्टर हो गया, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर हुआ, लेकिन साथ साथ में कुछ काम की चीज़ें भी फिल्टर हो गई, और कुछ काम बिना काम की चीज़ें फिल्टर नहीं भी हुई, तो बिना काम की चीज़ें आगे चलेगी, और कुछ काम की चीज़ें फिल्टर होकर नीचे आ गई, तो वो काम की चीज़ों को वापस उसने खींच लिया, जिसको क्या बोला, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, कुछ बिना काम की चीज़ें फिल्टर नहीं हुई थी, तो बिना काम की चीज़ें ट्यूबुल में, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सिक्रेशन। नली की स्त्रवण, नली की पुनरावशोषण, और यहाँ पर परामिश्रयंत्र, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर हानिकारक पदार्थों का फिल्ट्रेशन हुआ, लेकिन साथ में कुछ आवश्यक पदार्थ भी आ गए, उन आवश्यक पदार्थों को क्या किया, वापिस दे दिया, इसलिए पुनरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पर कुछ हानिकारक पदार्थ थे जो ब्लड के अंदर थे, उनको वापस दे दिया, है ना, उसको हमने क्या बोला, ट्यूबुलर सिक्रेशन, नली की स्त्रवण। तो हमको यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप पढ़ने हैं, कौन कौन से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन।
ये तीन स्टेप थे जो अपने को पढ़ने हैं, समझ में आई बात। अब यहाँ पर ज्यादा आगे क्या बनाएगी, ये चीज क्या बनाएगी, हिडन गेट बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर गैसों का एक्सचेंज भी तो होगा ना। इसके बाद ओ टू था, वो ओ टू पीसीटी को डीसीटी को देगा, बदले में उससे क्या लेगा, वो सीओ टू लेगा, क्योंकि सीओ टू का एक्सक्रीशन की बात करें अपन तो वो तो किससे होता है, लंग से होता है, सीओ टू का एक्सक्रीशन यहाँ पर तो होता नहीं है, समझ लो। खासकर यहाँ पर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट उनमें से किसी का भी फिल्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन होता है वो इस एंडोथीलियम से होता है, एक कैपिलरी जो होती है उसके एंडोथीलियम से होता है, पर एंडोथीलियम बहुत बारीक होती है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों से होकर कैपिलरी, इन छिद्रों से होकर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट वो इतनी बड़ी होती है कि वो उन छिद्रों से गुजर नहीं पाती है, इसीलिए यहाँ पर इन सबका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, समझ में आ गई बात, क्लियर यहाँ तक। तो यूरिन फॉर्मेशन के तीन स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप, पहला कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है, बाउमन कैप्सूल की कैविटी में हो रहा है, बाउमन कैप्सूल की कैविटी में हो रहा है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो ग्लोमेरुलस के द्वारा। तो अब अपने को पढ़ना है ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर, भाई ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर हम समझ पाएंगे तो हम समझ पाएंगे कैसे फिल्ट्रेशन हो रहा है, समझ पा रहे हो, फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस कर रहा है, फिल्टर्ड आ कहाँ रहा है, बाउमन कैप्सूल की कैविटी में, यहाँ पर आने के बाद उसका क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, जो आवश्यक पदार्थ उनका वापस खींचा जा रहा है, और जो सॉरी जो अनावश्यक पदार्थ ले लिए गए थे उनको वापस डाला जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। थ्री स्टेप है उनकी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर की, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, चलिए चलिए बात करते हैं अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की भी जरूरी है, तो ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ग्लोमेरुलस कैसा होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस को समझना बहुत जरूरी है तो अपन समझ पाएंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है। ग्लोमेरुलस जो होता है क्या होता है, कैपिलरी का गुच्छा होता है, केशिकाओं का गुच्छा होता है, तो उसके हम स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आ रही है वो कौन सी, एफरेंट आर्टरी है। अब ये एफरेंट आर्टेरियल जो होती है वो क्या बनाती है, कैपिलरी बनाती है, और फिर वो कंबाइन होकर क्या बना रही है, एफरेंट आर्टेरियल जो कि अगेन कैपिलरी बना रही है, क्लियर। चलिए बना लेते हैं इसकी, एफरेंट आर्टेरियल बनाते हैं, ये एफरेंट, ये जो इससे बड़ी स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, ये वाली एफरेंट आर्टेरियल, और इसकी और फिर एफरेंट आर्टेरियल आएगी, समझ पा रहे हो, यहाँ पर कौन सा है, एफरेंट आर्टेरियल, छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये अपना बन गया एफरेंट आर्टेरियल, इस तरफ ये अपनी बनी एफरेंट आर्टेरियल, पतली होती है थोड़ी। तो ये जो कैपिलरी का गुच्छा अंदर दिख रहा है आपको, ये वाला, उसको हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस, कैपिलरी का पूरा गुच्छा है वो अंदर ग्लोमेरुलस है, और नीचे यहाँ पर क्या होगा, बाउमन कैप्सूल होगा, ठीक। तो अब ध्यान से समझना, ये जो कैपिलरी जो होती है उसको मतलब कैपिलरी में एक ही लेयर होती है, जो एक कैपिलरी होती है, ये जो ग्लोमेरुलस है वो ग्लोमेरुलस किसका बना होता है, ग्लोमेरुलस ये किसका बना होता है, कैपिलरी का, कैपिलरी का, और कैपिलरी में सिर्फ एक ही लेयर होती है, हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ओनली वन लेयर, ओनली वन लेयर, सिर्फ एक ही लेयर की, एक ही लेयर होती है, वो लेयर किसकी बनी होती है, सिंपल की बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, एक कॉमन टर्म लेते हैं उसको, और उस कॉमन टर्म हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम, समझ पा रहे हो, हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम, यानी कि इस कैपिलरी के नीचे क्या है, एंडोथेलियम, हर एक कैपिलरी के नीचे क्या है, एंडोथेलियम,
मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम। सारी कैपिलरी ट्यूब्स में होती है, ठीक है, जितनी भी कैपिलरी सब में होगी, जो मैं डार्क कर रहा हूँ इसकी भी ये हो जाएगी सारी कैपिलरी के लिए। तो ये कौन सी है, एंडोथीलियम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डार्क करके मैं एंडोथीलियम बना दी। तो यहाँ पर पहले है कौन सी, एंडोथीलियम, यानी कि सबसे पहले तो वो जो फिल्टर आ रहा है जो यूरिया है उसको किसको पार करना है, एंडोथीलियम को पार करना है। सबसे पहले किसको पार करना, एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम के बीच बीच में, एंडोथीलियम के बीच बीच में छेद होते हैं, यानी कि एंडोथीलियम कैसी होती है, छेदित होती है। एंडोथीलियम के बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, एंडोथीलियम के बीच बीच में क्या होते हैं, छेद होते हैं। सब में है, जितनी भी कैपिलरी 1 2 3 तीनों कैपिलरी में है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, छेद होते हैं। इसमें बना देता हूँ, ये छोटे छोटे छेद होते हैं। तो सबसे पहले लहर कौन सी, जिसको उसको क्रॉस करना है यूरिया को, वह एंडोथीलियम। सबसे पहली लहर जो है वह एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। अब इस एंडोथीलियम जो होती है, उस एंडोथीलियम में क्या होते हैं, पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को क्या होते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। तो ये जो एंडोथीलियम होती है वो कैसी होती है, फेनेस्ट्रेट होती है, यानी कि उसमें छिद्र होते हैं, फेनेस्ट्रेट होती है, छिद्रित होती है, एंडोथीलियम हो गया। अब एंडोथीलियम के नीचे एक लेयर होती है, एंडोथीलियम के नीचे एक लेयर होती है, सारे एंडोथीलियम के नीचे एक लेयर होती है, जहाँ पर एंडोथीलियम होती है उसके नीचे लेयर होती है, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एंडोथीलियम के बाद, एंडोथीलियम के बाद जो यूरिया है उसको जहाँ से गुजरना है वो कौन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तो एंडोथीलियम होगी, इसमें छेद है जिसको हमने बोला था फेनेस्ट्रा, क्या बोला था, फेनेस्ट्रा। एंडोथीलियम में छेद, उनको फेनेस्ट्रा बोला। दूसरी परत कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूरिया को इन दोनों को पास करना है इस कैपिलरी में, एक तो किसको पार करना है उसको, एंडोथीलियम को। एंडोथीलियम में उसमें छेद होते हैं, ठीक है, सपोज एंडोथीलियम है तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर उसको दो मेम्ब्रेन को पार करना है, तो एंडोथीलियम को पार करना है, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन को, क्लियर। अब इसके नीचे क्या लगा हुआ है, बॉमर कैप्सूल लगा हुआ है, ये इसके नीचे बना बना दिया बॉमर कैप्सूल बड़ा सा, ठीक है, ये अंदर बना दिया बॉमर कैप्सूल। अभी बॉमर कैप्सूल के दो पार्ट है, ये पैराइटल पार्ट है, विसरल पार्ट, या आउटर पार्ट उसको बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन, ये पैराइटल हो गया, और ये इनर पार्ट है उसको बोलते हैं विसरल, विसरल पार्ट। तो इसे विसरल पार्ट में आपको दिख रहा है, जो विसरल पार्ट है बॉमर कैप्सूल का, उस विसरल पार्ट की बात करें, उस विसरल पार्ट में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, एक विसरल पार्ट में सेल्स होती है, उन सेल्स को बोलते अपन पोडोसाइट, पोडोसाइट। अब पोडोसाइट जो सेल्स होती है, उन पोडोसाइट सेल के स्ट्रक्चर की अपन बात करें, पोडोसाइट सेल कुछ ऐसी दिखती है, कुछ ऐसे, ये पोडोसाइट सेल होती है, उसमें ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं पैडी सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, पैडी सेल बोलते हैं। ये जो फूड लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पैडी सेल बोलते हैं। तो ये पोडोसाइट कहाँ पर होती है, विसरल, ये जो विसरल मेम्ब्रेन है बॉमर कैप्सूल के अंदर वाले उसमें होते हैं पोडोसाइट होते हैं, समझ रहे हो, क्या होते हैं, पोडोसाइट। तो तीसरा उसको किसको पार करना है, पोडोसाइट में, और पोडोसाइट जो होते हैं ना वो पोडोसाइट के बीच बीच में छिद्र होते हैं, पोडोसाइट के बीच बीच में पोर होते हैं जिसको बोलते हैं स्लेट पोर, उनका स्लेट पोर का फॉर्मेशन किस होगा बताऊंगा मैं। तो तीसरी यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी है, पोडोसाइट है, तीसरी कौन सी है, पोडोसाइट को पार करना है उसको। अभी तीनों मिलकर आप देखो, ये तीनों मिलकर क्या बना रही है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रही है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जहाँ पर यूरिन का फिल्ट्रेशन, यूरिया का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, यूरिया सेपरेट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन समझ में आ रही है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तीन हिस्से, एक तो कैपिलरी का एंडोथीलियम, दूसरा कैपिलरी का बेसमेंट, और तीसरा बॉमर कैप्सूल का पोडोसाइट। ये पूरी यहाँ पर क्या है, पोडोसाइट होती है, पूरी पोडोसाइट होती है, पोडोसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब ये पोडोसाइट जो होती है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है ध्यान देना, ये पोडोसाइट जो होती है वो एंडोथीलियम को पकड़ के रखती है, ये पोडोसाइट है, तो एक्चुअली में एंडोथीलियम क्या करती है, पकड़ के रखती है, एंडोथीलियम को पोडोसाइट ऐसे पकड़ के रखती है इस प्रकार से,
पकड़ के रखती है। अब उससे क्या होगा समझ आ जाना चाहिए। अभी जो पोडोसाइट है, ये पहला पोडोसाइट है, ये दूसरा पोडोसाइट है, ये उसका बना दिया। यानी कि समझ पा रहे हो, पोडोसाइट उसको चारों तरफ यानी यहाँ से पकड़ के रखा, ऊपर से भी उसको पूरा कवर करके रखा हुआ है पोडोसाइट। तो यहाँ पर बीच में ये जो स्पीस बना, ये जो स्पीस उसको बोलते हैं स्लीट पोर, अपने आगे के लिए उसको हम बोलते हैं स्लीट पोर, स्लीट पोर। तो पहले पोडोसाइट जो होते हैं उसमें छिद्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्लीट पोर, समझ रहे हो। तो पोडोसाइट जो है उसमें क्या होते हैं, पोडोसाइट में स्लीट पोर होते हैं, स्लीट पोर होते हैं। उन स्लीट पोर से होकर क्या होगा, यूरिया का फिल्ट्रेशन होगा। कैसे होता है, देखो ये एक पोडोसाइट है जिसका ये न्यूक्लियस समझ लो, और ये उसके पैडिसल सारे हो गए, ये सारे उसके पैडिसल। देखिए एक चीज प्रकार से ये न्यूक्लियस है और इसके सारे पैडिसल्स हो गए, ठीक है, 3D में। अभी दूसरा है, ये दूसरा हो गया, दूसरे के बात करें, दूसरा भी देखिए, दूसरा ये जो दूसरा है उसमें ये न्यूक्लियस हो गया उसके सेंटर में, और ये सारे उसका क्या हो गया, पैडिसल हो गए। अब वो कैपिलरी को इस प्रकार से जोड़ के रखा है उसको, ठीक है, पकड़ के रखा है उसको। तो वो कैपिलरी को ऐसे पकड़ के रखा है, यानी कि नीचे से पकड़ के रखा और यहाँ से पकड़ के रखा है इस प्रकार से। तो इसके बीच में आप देख लो, इसके बीच में ये जो छेद बन रहा है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके बीच में ये स्लीट के जैसे, उसको हम कहते हैं स्लीट पोर। तो उसको पकड़ के रखा है ऐसे, इस प्रकार से पकड़ के रखा है, और स्लीट पोर से होकर यूरिया का फिल्ट्रेशन होगा। समझ पा रहे हो, ये स्लीट पोर है, वहां से होकर यूरिया का फिल्ट्रेशन होगा। इस प्रकार से पकड़ के रखा है, अगर हम देखें इस प्रकार से, तो ये जो ग्लोबुलस है वहां पर जो ब्लड का फिल्टर हो रहा है, तो जो यूरिया है वो कहां से निकल के जा रहा है, बीच में से होकर गुजर जा रहा है। समझ पा रहे हो, सबसे पहले तो एंडोथेलियम में छोटे छोटे छेद हैं जिनको हमने बोला फेनेस्ट्रा, वो से फेनेस्ट्रा से यूरिया आया, फिर फेनेस्ट्रा यूरिया कहाँ से गुजरा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरा, फिर पोडोसाइट में ये जो स्लीट पोर है बीच के वहाँ से गुजर रहा है, पोडोसाइट में जो स्लीट पोर है वहाँ से यूरिया गुजर रहा है, और फाइनल यूरिया कहाँ जाएगा, इसे बोमन कैप्सूल कहा जाएगा। समझ पा रही है बात, क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। ये कौन सी यहाँ पर, इसको हमने क्या बोला था, एफरेंट आर्टेरियोल, इसको हमने बोला एफरेंट आर्टेरियोल, ये एफरेंट आर्टेरियोल, और ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, इफरेंट आर्टेरियोल, ये है इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में तीन स्ट्रक्चर है, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा कौन सा, पोडोसाइट, ठीक है। अगर हम थोड़ा रफ डायग्राम बनाए तो सबसे बाहर क्या होगी, ये एंडोथेलियम होगी, ठीक है, एंडोथेलियम में छोटे छोटे छेद बना दिए हमने, ये बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं एंडोथेलियम में, जहाँ से होकर यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा। उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि परमीएबल होती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। उसके नीचे क्या होता है, पोडोसाइट, पोडोसाइट में भी क्या है, ऐसे ऐसे छेद है बीच में, ये ऐसे ऐसे छेद है पोडोसाइट में, ये मैं पोडोसाइट बनाना, या पोडोसाइट को हम ऐसे बना देते और अच्छा लग जाएगा, उसको कवर करके रखते हैं, इसमें वैसे ही बना पाएंगे, पोडोसाइट हो गया, ये पोडोसाइट, उसके बीच बीच में छेद बना दिया हमने। तो ये जो तीनों हैं वो क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ये क्या बना रहा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये एक्चुअल में क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जहाँ से होकर क्या हो रहा है, यूरिया फिल्टर होकर कहाँ पर आ रहा है, बाउमन कैप्सूल की कैविटी में आ रहा है। ये बाउमन कैप्सूल की कैविटी ल्यूमेन, गुहा, फ्री स्पेस होता है, समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देख रहे हो कि ग्लोमेरुलस की स्ट्रक्चर की हम बात करें, अब हम तीनों प्रोसेस पढ़ने बाकी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, कैसे होता है वो पढ़ेंगे, कुछ प्रेशर लगते हैं उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पतली होती है, ये बीच में कैपिलरी का गुच्छा है, उस कैपिलरी की जो लेयर है उसको हमने क्या बोला, एंडोथेलियम, जिसमें छोटे छोटे छेद है जिनको हमने क्या बोला, फेनेस्ट्रा। तो ये तो फेनेस्ट्रा है, स्लीट पोर है, अगर नोमेनक्लेचर अपन कर लेते साथ में, तो ये तो है फेनेस्ट्रा, एंडोथेलियम के जो छेद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा, ये फेनेस्ट्रा है, और ये जो है वह स्लीट पोर है, स्लीट पोर है, ठीक है। तो ये जो है वो कौन सी हो गया, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, ये एंडोथीलियम है। बीच वाली जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच वाली कौन सी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन,
बीच वाले हो गया बेसमेंट में मिल रही थी, और ये जो है वो कौन है पोडोसाइट है। पोडोसाइट के स्ट्रक्चर आपके सामने बने हुए हैं, ये वाला दो पोडोसाइट इस प्रकार के होते हैं, बीच वाला ये स्लिट पोर है, ठीक है, ये बीच वाले स्लिट पोर है। तो जैसे ही समझना ध्यान से, अब जैसे यहाँ पर ये ब्लड आया उस ब्लड में यूरिया है, अब यूरिया फिल्टर होना है तो पहले वो कहाँ पर फेरेस्टा से गुजरेगा, फिर वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से, फिर वो यहाँ पर जो पोडोसाइट है वो पोडोसाइट का अरेंजमेंट कैसा है, ये एक पोडोसाइट है दूसरा पोडोसाइट, उनका अरेंजमेंट ऐसा है, समझ रहे हो, ऐसा। फिर बीच बीच में जो स्लिट पोर दिख रही बीच वाले, वहाँ से होकर क्या होगा, वहाँ से होकर यूरिया का फिल्ट्रेशन होगा इन स्लिट पोर से होकर, समझ पा रहे बात को, नहीं स्लिट पोर से होकर, और स्लिट पोर को ऐसे पकड़ के रखते हैं ऐसे, उसे कैपिलरी के, समझ रहे हो, कैपिलरी को ऐसे पकड़ा, अभी कैपिलरी में ब्लड जा रहा है, कैपिलरी को ऐसे पकड़ा हुआ, तो बीच में जो स्लिट पोर है वहाँ से क्या होगा निकल जाएगा, जो भी यूरिया है वो वहाँ से फिल्टर हो जाएगा, यूरिया के साथ वाटर भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, आयन भी होंगे जिनका फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा, समझ गए। तो ये था ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर, क्लियर यहाँ तक। आगे कल की क्लास में बात करेंगे कि फिल्टर होने के लिए जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो, क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।